हेलो गाइस, दिस इज शशिकांत। सुबह के 7 बजे हुए हैं। आई एम इन द गार्डन एंड जस्ट सिटिंग अलोन डूइंग बेसिक लिटिल ओनली मेडिटेशन विच इज़ गुड टू हेल्प इन आवर माइंड एंड थिंकिंग पावर। आई कैन थिंक गुड, थिंक बैड, जो भी समझ में अच्छा है अपने ऊपर, एटलीस्ट काम तो कर सकूँ। सो गाइस, यू व्हेन यू गेट सम टाइम यू हैव टू गो वॉक इन द गार्डन एंड स्टे हेल्थी, लिव अ लॉन्ग लाइफ। क्या पता है भरोसा किसी के कब क्या हो जाए। सो बी हैप्पी एंड फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू ईच एंड एवरी वन हैप्पी हैप्पी वाला दिवाली। सब ही लोग खुशियाँ मनाएं। इसी के साथ में एक बोलते हैं ना, लोगों का कुछ काम तो होता नहीं है और किसी के समय और कुछ भी समय जज अपना कमेंट पास कर देते हैं और ना उन्हें उसके बारे में जानते हैं ना सोचते हैं, कुछ भी नहीं। ऐसे ही एक दिन एक बुज़ुर्ग आदमी अपने बेटे के साथ में ट्रैवल कर रहा होता है, एक अपनी लोकल ट्रेन में, लोकल क्या कहें, ऐसे गांव वाली ट्रेन में, शताब्दी एक्सप्रेस में, कोई भी समझ लो, कर रहा होता है। और उसी के सामने वाली सीट में एक महिला बैठी होती है अपने बच्चों और हस्बैंड के साथ में। मगर जो जवान आदमी और बुज़ुर्ग, ये दोनों में अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई, घुल मिल गए और अपना अच्छे से बात करने भी लगे। और जो बुज़ुर्ग आदमी अपने बेटे के साथ में बैठा हुआ था, उससे उसका बेटा एक थोड़ी सी अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। बोल रहा था कि पापा मुझे है ना विंडो सीट पे बैठना है, मैं विंडो सीट पे ही बैठूँगा, पापा मुझे विंडो सीट पे बैठना है। उसके पापा आपस में ऐसे थू थू मैं कर रहे थे। और ये देखकर वो महिला और उसके हस्बैंड थोड़ा सा अचंभित हो गए, ये कैसा सीन है। फिर इसके बाद में थोड़ी देर हुई, गाड़ी चल पड़ी, सब अपना अपनी तरीके से अच्छे से बैठ गए, लड़का भी विंडो सीट पर बैठ गया और लड़का फिर अजीब अजीब से हरकतें करने लगा। वो हरकतें इस प्रकार कर रहा था कि वो देखो पापा बादल जा रहे हैं, वो देखो पापा चिड़िया जा रही है, वो देखो पापा घास पीछे छूट गए हैं। मतलब ये देखकर उस महिला को एकदम अलग ही लगा और वो पूछना चाहती थी कि क्या उसे कुछ प्रॉब्लम है। ये देख मतलब उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आने लगे मगर वो पूछ नहीं पाई। तो थोड़ी देर हुई, गाड़ी आगे जाकर एक स्टेशन पे रुकती है और एक स्टेशन पे रुकने के बाद में उसके पति और वो कुछ चीज़ें खरीदने ले जाता है अपने बच्चों के लिए और अपने वाइफ के लिए। तो बाद में जब इसी बहाने वो अपने बैग से एक बिस्किट का पैकेट निकालते हुए उस बुज़ुर्ग आदमी से पूछ लेती है कि भाई साहब लीजिए लीजिए। जब वो भाई साहब हाथ बढ़ाते हैं लेने के लिए और तब वो बोलती है, इसी बहाने वो पूछ पड़ती है कि भाई साहब मैं एक बात पूछूं, बुरा ना माने तो मेरे नज़र में एक बेहतरीन डॉक्टर है ये, आप मेरे डिस्काउंट से, मेरे पहचान की वजह से ये आपको कुछ डिस्काउंट दे देगा और आपको बेटे की देख भी लेगा। तो इसी का जवाब देते हुए उस इंसान ने कहा, उस बुज़ुर्ग आदमी ने, अरे बेटा ये अभी ही कल हॉस्पिटल से आया है, पहले तो इसकी आंखें नहीं थी, अब ये देखने लगा है इसलिए बड़ा खुश है और बता रहा है कि वो देखो पापा गाय, वो देखो पापा बादल पीछे छूट रहे हैं, वो ये ऐसी हरकतें कर रहा है, ये बड़ा खुश है कि इसकी दोनों आज आंखें हैं। तो ये देख, जब ये बात पता चली उस महिला को तो उसका मुँह छोटा हो गया, वो शांत बैठ गई। सो गाइस, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें ना कभी भी दूसरों के लाइक में ताका जाकी नहीं करनी चाहिए। हमें कोई भी अधिकार नहीं है कि हम किसी को क्या बोले, पहले हमें खुद के अंदर देख लेना चाहिए कि हमारे अंदर कितनी कमियां हैं। अगर गाइस ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। दिस इज़ गोइंग टू बी हैपनिंग अगेन, माय नेक्स्ट स्टोरी, माय नेक्स्ट पोस्ट, इट विल बी शो इन योर मेन मोबाइल नोटिफिकेशन, सो प्लीज़ डू इट सब्सक्राइब। और थैंक यू सो मच, यू हैविंग अ ग्रेट टाइम।